दोस्तों Hyundai Venue फेसलिफ्ट इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है और आज के इस वीडियो में हम लोग इसकी सिबलिंग Kia Sonet से इसकी कंपेयर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग Venue और Sonet दोनों ही गाड़ियों के मिड वेरिएंट को कंपेयर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो Venue की लेंथ है 3995 mm जो की Sonet से इक्वल है, ब्रेथ है 1770 mm जो की 20 mm कम है Sonet से, हाइट है 1617 mm जो कि 7 mm ज्यादा है Sonet में मिल वाली हाइट से। व्हील बेस दोनों ही गाड़ियों का इक्वल है। ग्राउंड क्लियरेंस है 190 mm की जो कि 15 mm कम है Sonet में मिलने वाली 205 mm ग्राउंड क्लियरेंस से। Venue के मिड वेरिएंट में आपको 15 इंच की टायर पेट्रोल मॉडल में देखने को मिलेगी जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल है उसमें, जबकि टर्बो पेट्रोल और डीजल दोनों में ही आपको 16 इंच की व्हील देखने को मिलेगी, जबकि Sonet में आप चाहे कोई सा भी इंजन ऑप्शन खरीदो आपको 16 इंच की व्हील मिलेगी। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल पेट्रोल इंजन में भी 16 इंचेस की व्हील मिल जाती है जो Venue से 1 इंच बड़ी होगी। बूट पेस की बात करें तो Venue में 350 लीटर की जबकि Sonet में 392 लीटर की बूट पेस ऑफर करी जाती है, मतलब 42 लीटर छोटी बूट आपको Venue में ऑफर करी जाती है Sonet के मुकाबले। तो डायमेंशंस को अगर कंपेयर करें तो आप लोग देख सकते हो दोनों ही गाड़ियों का लेंथ इक्वल है, लेकिन अगर बात करें ब्रेथ की, ग्राउंड क्लियरेंस की या फिर बूट पेस की तो यहाँ पर Sonet बाजी मार ले जाती है। Sonet में आपको थोड़ी ज्यादा पेस मिलेगी सेकंड रो में, इसका अलावा ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी ऊंची मिलेगी और बूट पेस भी आपको 42 लीटर ज्यादा मिलेगी, मतलब थोड़े ज्यादा सामान आप Sonet में कैरी कर पाओगे Venue के मुकाबले। तो ओवरऑल डायमेंशंस को अगर कंपेयर करें तो Sonet इजीली आगे निकल जाती है। अब इंजन डिटेल्स की बात करें तो मिड वेरिएंट में आपको दोनों ही गाड़ियों में तीनों ही इंजन ऑप्शंस ऑफर करे जाते हैं। नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जनरेट करता है 82 bhp और 114 nm टॉर्क, जबकि Sonet में 115 nm टॉर्क जनरेट करता है। डीजल की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर CRDI डीजल इंजन मिलता है जो 99 bhp और 240 nm टॉर्क पैदा करता है, जबकि टर्बो पेट्रोल इंजन होगा 1 लीटर की 3 सिलेंडर वाली और ये जनरेट करता है 118 bhp और 172 nm टॉर्क। ट्रांसमिशन की बात करें तो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में 5 स्पीड मैनुअल, डीजल में 6 स्पीड मैनुअल और टर्बो पेट्रोल में IMT और DCT आपको Venue में देखने को मिलेगी, जबकि Sonet में आपको सिर्फ IMT ट्रांसमिशन मिलेगी, टर्बो पेट्रोल में DCT का ऑप्शन नहीं मिलेगा। DCT मॉडल अगर आप लोग परचेस करना चाहते हो तो आपको Sonet का ऊपर वाला मॉडल परचेस करना पड़ेगा। माइलेज की बात करें तो Venue में नॉर्मल पेट्रोल इंजन में 17.52 kmpl का, डीजल में 23.7 kmpl का, टर्बो पेट्रोल में IMT ट्रांसमिशन में 18 kmpl का, जबकि DCT में 18.15 kmpl का माइलेज क्लेम करा जाता है। Sonet में नॉर्मल पेट्रोल इंजन में 18.4 kmpl का, डीजल में 24 kmpl का और टर्बो में IMT ट्रांसमिशन में 18.2 kmpl का माइलेज क्लेम करा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो लगभग दोनों ही गाड़ियों के इंजन परफॉर्मेंस, ट्रांसमिशन ऑप्शंस इक्वल रहेगी, लेकिन सिर्फ एक फर्क आपको दिखेगा और वो होगा Venue में आपको टर्बो पेट्रोल ऑप्शन में IMT के साथ साथ DCT का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जबकि आपको Sonet में कोई भी DCT ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ यही एक फर्क आपको इंजन डिपार्टमेंट में नजर आएगा। कॉम्फर्ट फीचर्स की बात करें तो Venue में सेकेंड बेस्ट मॉडल में आपको जो भी कॉम्फर्ट फीचर्स मिलते थे उसको एड ऑन करके आपको मिड मॉडल में जो मिलेगा वो होगा LED प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स विथ कॉर्नरिंग फंक्शन, LED कनेक्टिंग टेल लाइट्स, टर्न इंडिकेटर्स ऑन वार वीएम्स, लेदर राइट डी कट स्टीयरिंग व्हील, ये सिर्फ आपको DCT में मिलेगा, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ड्राइव मोड्स एंड पैडल शिफ्टर्स, ये सिर्फ DCT में मिलेगा आपको, और क्रूज कंट्रोल ये सिर्फ टर्बो पेट्रोल ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, जबकि Sonet में आपको देखने को मिलेगा प्रोजेक्टेड फॉग लैम्प्स, ऑटो हेडलैम्प्स, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटेना, इलेक्ट्रिक फोल्ड वार वीएम्स विथ LED टर्न इंडिकेटर्स, फुली ऑटोमेटिक AC, रियर डिफॉगर, 8 इंच टचस्क्रीन विथ आर्कमिस साउंड सिस्टम, क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल, ये सिर्फ आपको टर्बो पेट्रोल और डीजल ऑप्शन में मिलेगा, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ये सिर्फ आपको टर्बो पेट्रोल में मिलेगा, स्मार्ट की विथ पुश बटन स्टार्ट, ये सिर्फ आपको टर्बो पेट्रोल और डीजल में मिलेगा, नेचुरली में नहीं मिलेगा, रिमोट इंजन स्टार्ट विथ स्मार्ट की, ये सिर्फ आपको टर्बो पेट्रोल और डीजल में देखने को मिलेगा। तो कॉम्फर्ट फीचर को अगर हम कंपेयर करें तो Venue में आपको ज्यादा से ज्यादा कॉम्फर्ट फीचर ऑफर करे जाते हैं, जबकि Sonet में आपको बहुत कम कॉम्फर्ट फीचर ऑफर करे जाते हैं मिड वेरिएंट में भी। अगर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप फीचर चाहिए या फिर मिनी सनरूफ चाहिए तो उसके लिए भी आपको सिर्फ टर्बो पेट्रोल या फिर डीजल परचेस करना पड़ेगा, नॉर्मल पेट्रोल इंजन में आपको
सनरूप का ऑप्शन नहीं मिलता, इसीलिए पंप फीचर के मामले में वेन्यू आगे निकल जाती है, सोनेट पीछे रह जाती है। अब सेफ्टी फीचर की बात करें तो सेकेंड बेस मॉडल में आपको जो भी सेफ्टी फीचर मिलेगा उसको एड ऑन करके वेन्यू में आपको मिड वेरियंट में सिर्फ एक सेफ्टी फीचर एक्स्ट्रा मिलेगा और वो होगा रियर पार्किंग कैमरा विथ गाइडलाइंस, जबकि सोनेट में आपको मिलेगा रियर पार्किंग कैमरा विथ गाइडलाइंस। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ब्रेक असिस्ट, ये सभी सेफ्टी फीचर आपको सिर्फ टर्बो पेट्रोल ऑप्शन में मिलेगा, ना ही डीजल में मिलेगा, ना ही नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल में मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग वेन्यू परचेस करते हो तो ये सभी फीचर आपको तीनों ही इंजन ऑप्शंस में ऑफर करे जाते हैं। तो सेफ्टी फीचर में भी वेन्यू आगे रह जाती है और सोनेट पीछे रहती है। अब प्राइस पॉइंट की बात करें तो वेन्यू की नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की मैनुअल ट्रांसमिशन में कीमत रहेगी 9.50 लाख रुपए, वेन्यू डीजल की मैनुअल ट्रांसमिशन में प्राइस रहेगी 10 लाख रुपए, वेन्यू टर्बो मॉडल की IMT ट्रांसमिशन में कीमत रहेगी 10 लाख, जबकि टर्बो DCT में कीमत रहेगी 11 लाख रुपए एक शोरूम। अगर आप सोनेट परचेस करना चाहते हो तो सोनेट का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का कीमत रहेगा मैनुअल ट्रांसमिशन में 9.05 लाख रुपए, जबकि सोनेट डीजल अगर आप लोग परचेस करना चाहते हो मैनुअल ट्रांसमिशन में तो उसका कीमत रहेगा 10.35 लाख रुपए, अगर आप लोग टर्बो परचेस करना चाहते हो IMT ट्रांसमिशन में तो उसका कीमत रहेगा 10 लाख रुपए। तो डिफरेंसेस की बात करें तो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में आपको डिफरेंस दिखेगा 45,000 रुपए का, डीजल में डिफरेंस दिखेगा आपको 35,000 रुपए का, जबकि टर्बो पेट्रोल में IMT में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, इक्वल रहेगा। तो सोनेट का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 45,000 रुपए सस्ती पड़ेगी वेन्यू के मुकाबले, जबकि डीजल में आपको 35,000 रुपए महंगी पड़ेगी सोनेट का डीजल ऑप्शन, लेकिन टर्बो पेट्रोल में जो IMT ट्रांसमिशन है दोनों का ही प्राइस इक्वल रहेगी। तो कॉन्क्लूजन की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वेन्यू के जो टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन है इसमें आपको IMT के साथ DCT दोनों ही ट्रांसमिशन ऑप्शंस ऑफर करे जाते हैं, जबकि सोनेट में आपको सिर्फ IMT ऑफर करे जाते हैं, DCT ऑफर नहीं करा जाता। DCT चाहते हो तो ऊपर का वेरिएंट आपको खरीदना पड़ेगा, जबकि वेन्यू में आपको मिड वेरिएंट में ही DCT ट्रांसमिशन मिल जाता है टर्बो पेट्रोल के साथ। तो ये एक चेंज हो गया। इसके अलावा वेन्यू का डीजल मॉडल 35,000 रुपये महंगी है। तो 35,000 रुपये महंगी है इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर मिल जाता है, स्मार्ट की मदद से आप लोग इंजन को स्टार्ट या फिर स्टॉप कर पाओगे। इसके अलावा आपको मिनी सनरूफ भी मिल जाता है, उसके लिए 35,000 रुपये बर्थ है जो आपको वेन्यू में देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग सनरूफ या फिर इंजन स्टार्ट स्टॉप फंक्शन चाहते हो अपने कार में तो आप लोग सोनेट डीजल के ऊपर जा सकते हो, सिर्फ 35,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पर आपको ये दोनों ही फीचर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कम कीमत में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन चाहते हो 45,000 रुपये सस्ती मिलेगी आपको सोनेट का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वेन्यू के मुकाबले, तो आप लोग सोनेट को परचेस कर सकते हो, 45,000 रुपये सस्ती हो जाएगी सोनेट का पेट्रोल इंजन वेन्यू के मुकाबले। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो समझ में आ भी गया होगा। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।